आई डोंट नो लोग जानते हैं कि नहीं, बट ये मेरा पहला फेस्टिवल है. मैं आज तक कभी भी कोई फेस्टिवल पे नहीं गई. ऑफकोर्स डिमिट्री वेगस एंड लाइक माइक का सबसे फेमस फेस्टिवल टुमारोलैंड होगा, एंड उसके बारे में इतना सुना है, एंड उनकी ऑफकोर्स आई हैव हर्ड देम प्ले, बट आई जस्ट लाइक नाउ आई फील लाइक आई हैव टू डू टुमारोलैंड बिकॉज just this vibe, you know, this vibe is something that you might never ever get in any other place. So yeah, I'm really looking forward. I will be going on stage as well, and I'll be a part of their crowd control movement, which I think everybody just goes crazy when that happens. So yeah, I'm pretty excited, and it's been great. It's been a lot of fun. Agar baat kare live concerts ki, to kitna enjoy karte hain live concerts dekhna ya sunna, kitna, you know, jo ek क्योंकि मैं खुद भी स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि वेन एवर यूर अ लाइव परफॉर्मर, देयर इज जस्ट इट्स सो इंस्टिंक्टिव, एंड फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन और फॉर एनी आर्टिस्ट, अ लाइव परफॉर्मेंस इज वेन यू आर इन योर बिगेस्ट एलिमेंट, एंड देयर इज सो मच ऑफ एड्रेनलिन, एंड देयर इज सो मच ऑफ यू नो दैट रश इज समथिंग एल्स. एंड एज एन ऑडियंस तो इट्स लाइक यू नो इट्स अ ग्रेट गेटअवे फ्रॉम योर यूजुअल लाइफ, बिकॉज अदरवाइज आवर लाइफ हम सब अपने काम में यू नो बिजी ये वो करते रहते हैं, बट जब ऐसे एक माहौल में आ जाते हैं तो यू नो दैट द एनर्जी इज समथिंग एल्स. ओके मैम, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग जिस पे आप परफॉर्म करने वाले आज? मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट आई एम कमिंग टू एंजॉय द शो, एंड ऑफ कोर्स डिमिट्री एंड लाइक माइक आर परफॉर्मिंग, सो आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर यू नो क्राउड कंट्रोल मूव, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी फेमस वन, एंड उनके इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ. जब भी उन्होंने पूरा जो ट्रैवल किया है उन्होंने इंडिया में, क्राउड का जो रिस्पॉन्स रहा है बहुत ही अमेजिंग रहा है, सो आई एम होपिंग आई सी समथिंग सिमिलर हियर. कॉलेज या स्कूल टाइम की कोई मेमोरी है लाइव कॉन्सर्ट को लेके? द थिंग इज व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड ओनली स्टार्टेड वर्किंग, सो फॉर मी माय कॉलेज लाइफ वाज एक्चुअली अ कॉलेज सब्जेक्ट इन द मूवीज, सो आई हैव अ वेरी फिल्मी पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट कॉलेज लाइफ वुड बी, बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, सो आई एम एंजॉयिंग द फेस्टिवल्स एंड एंजॉयिंग दिस एंटायर दिस मूड नाउ. ओके, तुम्हारा मैम सनबर्न की बात करें या फेस्टिवल की बात करें, तो न्यू ईयर बहुत जल्दी आ रही है और बहुत याद आती है, तो सो व्हाट्स योर प्लान फॉर न्यू ईयर? Well, I have no clue what I'm doing for New Year's, but I'm sure I'll be with my close friends and family, because New Year is also a very you know, it's a time where you kind of think about what's happened in the whole year and what you want to do the next year. So for me, I think it's going to be with the closest people in my life. And Tamanna, हाथ में एक मेहंदी भी नजर आ रही है. हाँ, मेरे घर फैमिली में शादी थी तो फोर्स करके लगवा दिया, बोला लगाओ मेहंदी. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेहंदी खुद ही बहुत पसंद है. फॉर द काइंड ऑफ वर्क वी डू शायद पूरी नहीं लगा पाती, बट मेरा बस चलता तो मैं पूरा लगा देती. ओके, लास्टली मैम अपने ड्रेस के बारे में बताना चाहेंगी, क्या पहने, किसका पहने? सो आई एम वेयरिंग दिस रियली कंफर्टेबल आउटफिट बाय पापा डोंट प्रीच, विच इज बाय शुभिका, एंड सुकृति हैज स्टाइल्ड मी फॉर टुडे, एंड सुकृति ग्रोवर इज ऑल्सो वेरी डियर फ्रेंड, सो इट्स नाइस. आई मीन इट्स फन टू कोलैबोरेट विद पीपल यू नो हु रियली गेट यू एंड हु थिंक ऑफ कम्फर्ट बिफोर एवरीथिंग एल्स. सो इफ फैशन इज नॉट कम्फर्टेबल देन दिस नो पॉइंट. राइट राइट.